देवानंद तुहाडे वाले पासे इस वेले की कुछ तस्वीरां तुसी वेख पा रहे हो बच्चियां दे विच किन्ना उत्साह, अध्यापकां दे विच किन्नी उत्सुकता, क्योंकि एक बार फिर तो जो एक अस्तित्व हुंदा है एक अध्यापक ते एक विद्यार्थी दा, अज किते ना किते ओह एक क्लासरूम दे विच उसे तरह असीं वेखांगे जिस तरह मुढ़ो रवायत चली आई है, वेखदे आए। बिल्कुल अमृता, असीं खड़े फरीदकोट के बिंदा कॉलेज के बाहर, तो तस्वीरां दिखादा इत्थे जिहड़े कॉलेज ने खुल चुके ने ते स्ट्रोंग रूम भी इत्थे बणिया होया ते, लेकिन बच्चे आपदा स्कूल कॉलेज है वो पढ़न आते हैं बच्चों बारे दिशा, क्योंकि पहला ऑनलाइन क्लास ही हूँ ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं। प्रोफेसर अमरिंदर सिंह ने पर सर किस तरह के प्रबंध किए गए हैं, कॉलेज खोल गए हैं तो बच्चों को पहला ऑनलाइन थोड़ी समस्या आती थी, हूँ किस तरह के बच्चे आ रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइन किस तरह तैयार किया जा रहा है? शिव जी, कोरोना दी गाइडलाइनस का पूरा ही ध्यान रखा जा रहा है, तो बाकी यह है कि कोरोना का एड्डी समस्या भी मैं लगता हूँ नहीं रही। तो जिहड़े बच्चे ने कॉलेज हमेशा तो खुला, कॉलेज की कोई समस्या नहीं गई, कॉलेज का दफ्तर हमेशा खुला ही हुंदा सीगा, पर बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी, हुण ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं, तो पेपर ऑनलाइन चलन करके जिहड़े बच्चे ने वो घरों ऑनलाइन पेपर करते हैं और ऑनलाइन पेपर करके ऑफलाइन वो सानूं इत्थे दे के जांदे ने, तो इत्थे स्ट्रोंग रूम बनिया होया साडे कॉलेज का, इस करके बच्चों इत्थे नहीं सद्या जांदा। साडा बिल्कुल इस दे नाल ही एक विभाग है, बायोलॉजी विभाग, बॉटनी जालोजी विभाग, उत्थे जिहड़ा है विद्यार्थियों सद लिया जांदा, उत्थे विद्यार्थी आके जिहड़े पेपर दे के जा रहे हैं, पेपरों तो बाद जिहड़ियां ऑफलाइन क्लासां नाल दी नाल शुरू जिहड़ियां है वो कर दित्तियां जाणगियां। कोई समस्या नहीं हैगी, पर एक गल होर जिहड़ी मैनूं लग रही है कि कोरोना दा हुण कोई भय नहीं रहा विद्यार्थियों च, नौजवान साथियों दे विच तां बिल्कुल ही भय नहीं हैगा, तां इस करके कोरोना मैनूं लगदा वी हुण उह समस्या नहीं हैगी जिहदे करके कॉलेज जिहड़े आ बंद कीते जाण, तां कॉलेज जिहड़े आ उह ऑफलाइन ही चलणे चाहीदे ने। असीं बाकी संस्थावां खोल दिंदे आ पर कॉलेज खोलण लग्गिआं जिहड़ी है सानूं कई वार जिहड़ी हिचकचाहट हुंदी है, मैनूं लगदा कि जिहड़ी पढ़ाई है वह जो ऑफलाइन हो सकदी उह ऑनलाइन हो ही नहीं सकदी, तां इस करके हमेशा ही जिहड़ी पढ़ाई है वह ऑफलाइन ही चलनी चाहीदी है। कोरोना दे नां ते बच्चों का बहुत वड्डा नुकसान होया ऑफलाइन पढ़ाई दे नाल, ऑफलाइन पढ़ाई दे विच जिथे विद्यार्थी पढ़ाई नालों टुटे आ उत्थे मैनूं लगदा अध्यापकां दे विच वी जिहड़ी है वह थोड़ी जी नीरसता आई हैगी आ, तो इस करके मैनूं लगदा कि ऑफलाइन पढ़ाई जिहड़ी चलनी चाहीदी और जिद्दे भी पेपर खत्म होए ऑफलाइन पढ़ाई चलेगी, कोई समस्या नहीं, कोरोना की कोई इहो जी मैनूं लगदा समस्या नहीं हैगी जी। बिल्कुल कि देखा कि प्रोफेसर साहब का कहना है कोरोना कोई समस्या नहीं आ रही क्योंकि प्रबंध जो पूरे किए गए थे, लेकिन ऑफलाइन पढ़ाई लिए बच्चे उत्साह, प्रोफेसर भी कहते हैं सानू भी ऑफलाइन पढ़ा के ही मजा आता क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई से वो गल नहीं बनती क्योंकि बच्चे इतने आते हैं डायरैक्ट बच्चों ने गल होंगी तो समझाना भी सौखा रहा है। अमृता बिल्कुल जाहिर तौर पर आमो सामने समझना समझा दोनों चीजा ही मुमकिन भी ने आसान भी नजर आदियां ने। बलिंदर का रुख कर लें, बलिंदर तुसी तस्वीर भी विखा रहे थे, तस्वीर भी तुहाडे राही वेखांगे ते किस तरह का इस वेले उत्थे माहौल वह भी तुहाडे तो जाना जी। जी अमृता, तस्वीर जरूर जाऊंगा मुल्तानी मल मोदी कल की, देख सकते हो कि बच्चे वड्डी गिनती दे विच आए हुए ने, हालांकि पूरा कोरोना की जिहड़ी पंजाब सरकार ने गाइडलाइन दित्ती है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, देख सकते हो कि मुल्तानी मल मोदी गल का जिहड़ा हैगा यह दृश्य है। प्रिंसीपल भी जरूर साडे नाल मौजूदा गलबात करांगे, प्रिंसीपल नाल जाणांगे कि जिहड़े सरकार के फैसले नूं किवें देखदे हो। प्रिंसीपल साहब, बड़ा टाइमली डिसीजन है, ये समा अजिहा सी जिस समय ऑफलाइन ऑनलाइन कारण बहुत सारा जिहड़ा लॉस हो गया है, शायद वह हुण होर ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वह इररिपेरेबल लॉस हो गया, इसलिए इस समय ते कॉलेज खोलने बनते सी। जदों पेंडेमिक एक रूटीन हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी है तो उस हर्ड इम्यूनिटी के मापियां ते बच्चों के जिहड़ी दहशत या भय सी वह भी लगभग खत्म हो गया है, तो बच्चे सेंसिटाइज हो चुके हैं, वह मास्क पा रहे हैं, कॉलेज वालों असी उन्हां दा सैनिटाइजर का अरेंजमेंट किया है। पिछले दो साल च मार्च 2020 तो भावें मोदी कॉलेज पंजाबी यूनीवर्सिटी की ऑब्जरवेशन मुताबिक भी लीडिंग कॉलेज से जिन्हें पोर्टल के उपर कंप्लीट ऑनलाइन स्टडी सल्यूशन दिता है लीज लाइनज लैके, लेकिन उसके बावजूद भी असी बिल्कुल इस गल तो अवेयर हैं, असी सर्वे किए टाइम टू टाइम बच्चों तो तीन तरह के लॉसिस असी आइडेंटिफाई किए हैं। सब तो पहला लॉस बच्चे का प्रैक्टिकल लर्निंग का लॉस हो रहा है जी। दूसरा वड्डा नुकसान इस समय दौरान जिहड़ा होया है वह बच्चे हैबिटुअल ते ट्यून्ड हो गए है वर्चुअल लाइफ के एक्चुअल लाइफ की वजह, वह एक बहुत वड्डा शिफ्ट आया जिहदे ते सानूं बच्चे नूं दुबारा वापस लिआउणा पैणा जी। तीसरा बहुत वड्डी चेंज जिहड़ी आई है वह बच्चों के सिविक मैनर्स की है कि वह सिविक मैनर्स के विच कैजुअल अते फॉर्मल दे सिविक मैनर नूं डिस्टिंग्विश करना ही भुल चुके हैं। अमृता बड़ी अहम जानकारियां दित्तियां ने, तीन जिहड़ियां सीगियां सानूं प्रॉब्लम जिहड़ियां सी बच्चे नाल भी अमृता गलबात
जरूर करने की कोशिश करांगे कि आखिरकार जो स्टूडेंट्स इतने पढ़ने लिए आए ने किन्ने समय तो घर बैठ के किन्ने समय तो बाद जो है कॉलेज खुले सब तो पहले तुम की कहना चाहते हो सरकार के फैसले कि ठीक है सरकार के फैसले का जी बिलकुल अबलिंदर गलबात जारी देखो सो विद्यार्थियों के नाल भी गलबात की जा रही है अध्यापकों के नाल भी गलबात की जा रही है उत्साह उत्सुकता दोवां पासे इको जी नजर आउंदी है। बहुत शुक्रिया अबलिंदर ते तुहाडा नाल ही फरीदकोट तो देवानंद सी साडे नाल उन्हां दा भी धन्नवाद।